हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों आज की वीडियो आपको बताऊंगा किस तरीके से आप फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर सकते हो 2023 में हाउ टू डिलीट फेसबुक अकाउंट परमानेंटली एफ बी को डिलीट करने के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर ओपन कर देना है ओपन करने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है फेसबुक इसके बाद यहाँ पे आपको फेसबुक एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है तो मेरा ऑलरेडी अपडेट है तो मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ तो जिसे आप ओपन करते हो कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है फेसबुक अकाउंट को परमानेंटली डिलीट करने के लिए आपको यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है थ्री लाइन वाला आपको इस थ्री लाइन पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप थ्री लाइन पे क्लिक करोगे आपका प्रोफाइल नेम शो करेगा इसके बाद यहाँ पे आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिया है सेटिंग्स एंड प्राइवेसी तो आपको इस सेटिंग्स एंड प्राइवेसी क्लिक कर देना है तो जैसे आप सेटिंग्स एंड प्राइवेसी क्लिक करोगे यहाँ पे आपको एक न्यू ऑप्शन आ जाएगा सेटिंग्स तो आपको इस सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा सेटिंग्स एंड प्राइवेसी मेटा अकाउंट सेंटर तो फेसबुक अकाउंट को डिलीट करने के लिए आपको सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप सी मोर इन अकाउंट सेंटर पर क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा मेटा अकाउंट सेंटर इसके बाद यहां पे आपको नीचे तरफ स्क्रॉल करना है यहां पे आपको एक ऑप्शन दिया है अकाउंट सेटिंग के नीचे पर्सनल डिटेल्स तो आपको पर्सनल डिटेल्स पर क्लिक कर देना है तो जैसे आप पर्सनल डिटेल पर क्लिक करोगे यहां पे आपको फोर ऑप्शन को मिल जाता है कॉन्टैक्ट इन्फो बर्थडे आइडेंटिटी कंफर्मेशन और एक ऑप्शन दिया है नीचे की तरफ अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल मैनेज योर योर डाटा मॉडिफाई लेगेसी डीएक्टिवेट और डिलीट योर अकाउंट एंड प्रोफाइल तो फेसबुक अकाउंट के प्रोफाइल को डिलीट करने के लिए आपको अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक कर देना है तो जिसे आप अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज पेजन हो जाएगा अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोल यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया है फर्स्ट है मेमोराइजेशन और एक है डीएक्टिवेशन और डिलीटन तो अभी हमें अपने अकाउंट को डिलीट करना है तो आपको डीएक्टिवेशन और डिलीट पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप डीएक्टिवेशन और डिलीटन पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन पे हो जाएगा डीएक्टिवेशन और डिलीशन टू स्टार्ट द प्रोसेस सिलेक्ट व्हाट यू लाइक टू टेम्पोरे डीएक्टिवेट और परमानेंटली डिलीट तो यहाँ पे आपको अपना एफ बी आई डी को सिलेक्ट कर लेना है तो जैसे आप अपने प्रोफाइल पे क्लिक करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू पेज ओपन हो जाएगा डीएक्टिवेटिंग और डिलीटिंग योर फेसबुक अकाउंट यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिया है डीएक्टिवेट अकाउंट और एक है डिलीट अकाउंट गाइस अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट से कुछ दिनों के लिए ब्रेक लेना चाहते हो तो आप अपना फेसबुक अकाउंट को टेम्परिरी डीएक्टिवेट कर सकते हो अगर आपको अपना अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट करना है तो आपको डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट कर लेना है तो जैसे आप डिलीट अकाउंट वाले ऑप्शन पर सिलेक्ट करोगे इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा बिफोर यू डिलीट वी मे बी एबल टू हेल्प तो यहाँ पे आपको बहुत सारा रीजन पूछेगा क्यों डिलीट करना है तो यहाँ पे आपको कोई भी एक रीजन सिलेक्ट कर लेना है जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आई हैव अ प्राइवेसी कंसर्न सिलेक्ट कर देने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है

फोटोज वीडियो को सेव करना चाहते हो तो आप अपना फोटोज वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है डाउनलोड योर फेसबुक इन्फॉर्मेशन तो डाउनलोड करने के लिए आपको डाउनलोड इन्फो पे क्लिक कर देना है और अपना फोटोज वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो इसके बाद यहाँ पे आपको निचित तरफ स्क्रॉल करना है यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड एंटर कर देना है तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ पासवर्ड एंटर कर देने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू वाला ऑप्शन देखने को मिलता है आपको इस कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है दोस्तों अगर आपको अपना पासवर्ड याद नहीं है भूल गए हो पता करना चाहते हो तो मैंने इसके लिए भी एक वीडियो अपलोड किया है चैनल पे फेसबुक का पासवर्ड कैसे पता करें और चेंज कैसे करें आप जरूर जाके चेकआउट कीजिएगा इसके बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा कंफर्म परमानेंट अकाउंट डिलीशन you would be able to schedule your account permanent deletion once you schedule your account for deletion you have 30 days to reactivate your account and cancel the deletion after 30 days the deletion process will begin and you won't be able to retrieve any of your content or information you have added to ye bol raha hai ki agar aap apne account ko abhi delete kar doge तो तीस दिनों के बाद आपका अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा अगर आपको अपना अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है तो तो तीस दिनों के अंदर आपको लॉगिन कर लेना है। तो अभी हमें अपना फेसबुक आईडी को डिलीट करना है तो आपको डिलीट अकाउंट पे क्लिक कर देना है तो जैसे आप डिलीट अकाउंट पे क्लिक करोगे पेज लोड होगा तो आपको थोड़ा सा वेट करना है सो so, फ्रेंड देख सकते हो हमारा जो अकाउंट है शेड्यूल हो चुका है और हमारा अकाउंट भी परमानेंटली डिलीट हो चुका है सो so, फ्रेंड इसी तरीके से आप अपने फेसबुक अकाउंट को हमेशा के लिए डिलीट कर सकते हो दो में परमानेंटली दोस्तों अगर आप अपना फेसबुक अकाउंट को वापस लाना चाहते हो तो आपको दिनों से पहले आपको लॉग इन कर लेना है ठीक तो so, so है, है तो आपका फेसबुक अकाउंट वापस आ जाएगा सो फ्रेंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आई आपको वीडियो पसंद होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिएगा चैनल पर पहली बार तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद वंदे मातरम